जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे UPSC NDA सेकेंड एग्जाम 2021 के बारे में दोस्तों। और फाइनली आप लोगों का दोस्तों एग्जाम खत्म हो चुका है। अब जो आप लोगों का डाउट आ रहा है, जो आप लोगों का सवाल आ रहा है कि सर अब इसका रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है सर इस बार का, और कितना नंबर चाहिए कम से कम आप लोगों का सिलेक्शन के लिए, तो A to Z जानकारी आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए सब कुछ पूरा डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं दोस्तों अनएकेडमी के बारे में। दोस्तों तो यहाँ पर कमांडो 2.0 NDA के लिए यहाँ पर बैच 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। वहीं बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों तो इसका प्राइस भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बम्पर ऑफर आप लोग के लिए 12 मंथ के लिए ले लोगे भाई, तो 12 मंथ का आप लोग को SSB फ्री देखने को मिल जाएगा, और 12 मंथ का अगर आप लोग लेते हो 24 मंथ का लेते हो तो आप लोग को 4 मंथ का आप लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ NDA के 2022 के एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेवी कंप्लीट बैच कोर्स जो कि 2021 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी तक चलेंगे। वही वायु एयरफोर्स वाई ग्रुप यहां पर मतलब कि कंप्लीट कोर्स जो कि 10 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। सभी कोर्सेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जितने मंथ का लेना है यहां पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग से यहां पर रेफरल कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड में आप लोगों को फटाफट से SG स्टडी डाल देना, जिससे कि आप लोगों को 10 से 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी कोर्स का प्राइस होगा उससे और सस्ते में कोर्स मिल जाएगा, और आप लोग अपना तैयारी वो बेहतर बना पाओगे। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि UPSC NDA सेकेंड का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली तो हो चुका है, इसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ दोस्तों इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, आप लोग पिछले एग्ज़ाम देखोगे या पिछले के पिछले भी एग्ज़ाम देखोगे तो हर साल जो इसका रिजल्ट है दोस्तों 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डेट से 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी आप लोग देखोगे दोस्तों, आज आप लोग देखोगे तो 14 नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि आप लोग रिजल्ट है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को देखने को मिला, कब तक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो एक एक्सपेक्टेड डेट जो रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा मतलब कि 15 से दोस्तों रह सकता है, मतलब कि मान लो कि 20 दिसंबर तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है आप लोगों को रिजल्ट, ठीक है। 15 से 20 दिसंबर तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, ये एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं। हो सकता है तो डेट आगे बढ़ भी सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स का भी रिजल्ट आने वाला था दोस्तों, जो कि 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों भाई, तो उसका एक ही मतलब कि अभी बहाना चला है कि कोविड के सिचुएशन, ठीक है। तो मतलब कि लेट हो जाते हैं, ठीक है, रिजल्ट आने में कुछ ना कुछ रीजन के कारण। तो ऐसे ही हो सकता है कि इसके रिजल्ट आने में भी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन जो ऑफिशियली बोला जाता है कि इसका 30 से 40 दिन के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पिछले बार भी मतलब कि रिजल्ट देखने में थोड़ा लेट हुआ था, जो कि आप लोग को अप्रैल में एग्जाम हुआ था NDA फर्स्ट का, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा हो सकता है कि 40 दिन लग जाए या 50 दिन लग जाए, लेकिन आप लोगों को दिसंबर तक आप लोगों को रिजल्ट है कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आप लोगों को दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म है। और एक एक्सपेक्टेड डेट करूँ तो 15 से 20 दिसंबर तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कट ऑफ कितना जा सकता है। आप लोग का एग्जाम हो गया मैथ का भी गेट का भी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। तो पेपर है दोस्तों इस बार पिछले बार की मुकाबला मतलब कि क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें कि मॉडरेट लेवल के टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मतलब कि समय बहुत ज़्यादा लिए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ है मतलब कि ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है दोस्तों। कट ऑफ जो है मतलब कि नॉर्मल ही रहने वाला है, जैसे कि हर साल रहता है, ठीक है। और इस बार आप लोगों को पता होगा ये भी कि आप लोगों को बॉयज़ भी एग्ज़ाम दियो और गर्ल्स लोग भी एग्ज़ाम दियो, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम दियो, ये बात तो आप लोग भी पता होगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को देखने मिल जाएगा दोनों कट ऑफ को, बता दूं रिटेन कट ऑफ ये बता रहा हूं। तो आप लोगों को लगभग कम से कम अगर 30 से 40 नंबर से लेकर 45 नंबर आप लोगों को रहता है, ठीक है। तो आप लोगों का मतलब कि इस बार जो है मतलब रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा मतलब कि नंबर है तो भाई आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, बाकी इतना नंबर भी है तो आप लोग SSB की तैयारी कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि
इतना नंबर पे कर सकते हो, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन का लेवल जो है दोस्तों, आप लोग ही बताओगे, आप लोग एग्जाम दे के आए हो तो मतलब कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कुछ है, ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट है, तो 340 से 45 तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, जिसका भी इतना नंबर है या इससे ज़्यादा नंबर है तो वो SSB के लिए तैयारी कर दो। अब SSB कब तक हो जाएगा मेरे भाई, ये भी आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग बता दो कि आपको SSB जो हो जाएंगे वो आप लोग को जनवरी में हो या आप लोग को फरवरी में आप लोग का हो जाएगा, जहां तक मेरे को चांस लग रहा है, ठीक है, जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आप लोग का SSB लेना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है दोस्तों SSB पे, क्योंकि SSB इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो फिर जाके बाद में होगा कि रिजल्ट आ गया भाई, आपकी तैयारी ही नहीं है इसकी, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं उतना नंबर करके आया हूँ तो आप लोगों को मतलब कि कर देना चाहिए SSB की तैयारी की, ठीक है, मतलब नहीं करोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन मतलब कि रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, सिलेक्शन लेना है तो अब से ये चीज़ पर फोकस करो, बाकी बात कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और यहाँ भी बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जाकर अभी तक ज्वाइन नहीं, ज्वाइन हो जाना, सर्च कर लेना SG स्टडी, ज्वाइन हो जाना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। बाकी बात कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई दूंगा। बाकी बात आपको क्या लग रहा है कि इस बार का कटअप कितना जा सकता है वो भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी मत जाना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आप लोग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।